हेलो वेलकम टू द चैनल, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो चुका बारिश का बहुत खतरनाक मौसम, जैसे कि आप देख सकते हो कितना खतरनाक मौसम हो रहा है इस साइड से। बहुत ही शानदार मौसम आ रहा है यहाँ पे। तो हमारे ये सारा कुछ कंटे वगैरह खुले पड़े हैं, तो ये तो हमने ढक दिए और ये खुले पड़े हैं, इनको समेट लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। ये बड़ा हमारा ट्राल जैसा बेचारा, इसको रख लेते हैं क्योंकि हवा से रात भी बहुत खतरनाक हवा आ गई थी तो उड़ रहा था सारा कुछ। कर लेते हैं सारा कुछ सेट। तो गाइस एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आप सबको कि मैंने बनाए थे जिम करने के लिए डंबल। ये अब यहाँ पे इस काम में आते हैं ये पिन्नी रोकने के लिए, क्योंकि हवा आती है तो बहुत खतरनाक हवा से ना रात भी बहुत खतरनाक हवा आ गई थी, तो इस वजह से सारी पिन्नी उड़ गई थी। ये सारी पड़ोस में चली गई थी, बाजू में सब घरों में चली गई थी, तो इसलिए इसको ढक दिया है ताकि ये उड़ ना पाए। इस तरीके से इसको ढक दिया, इसके अंदर हैं कंडे, पोपले जिसे बोलते हैं। और आप देख सकते हो कितना ही खतरनाक मौसम हो रहा है यहाँ पे भाई। इस साइड देखो, इस साइड तो थोड़ा खुला हुआ लग रहा है मौसम, और इस साइड से दिखाऊंगा आपको, देख सकते हो इस साइड ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक मौसम यहाँ से बनकर आ रहा है। और अभी कई दिन से मतलब बारिश हो रही है और गेहूँ की फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। अभी आके देखो होता है क्या, अभी तो मतलब बर्बादी है। अगर मौसम खुला तो हो सकता है कि 10-12 तारीख तक गेहूँ कट जाएँ लोगों के, सही तरीके से आ जाएगा। अभी तो लगन मतलब काटने के लिए शुरू किया था लोगों ने, तभी मतलब ये बारिश से शुरू हुई। देखो क्या ही कर सकते हैं अब। जी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो मैं कैमरे में शायद नहीं दिख रहे होंगे, लोग अपने अपने छतों से जो है सामान उतार रहे हैं, जो कुछ मतलब उड़ नहीं जाए कहीं, किसी के घर में नहीं चला जाए। बाकी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, मैंने पूछा था घर पे तो वो बोल रहे थे ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाने वाले ये। तो बस अभी मौसम हुआ था ऐसा, तो मैं आ गया था छत पर मज़े लेने के लिए, मतलब थोड़ा शानदार मौसम हुआ, अच्छा फील हो रहा था। बाकी मेरे पीछे देख सकते हो आप कितना ही खतरनाक मौसम हो रहा है और एकदम काली घटा के साथ, मतलब बारिश का। और आज 8वां रमजान है माशाल्लाह। गिड़ वगैरह का ना पता क्या खतरा रहता कि ये गिर जाते हैं ना आधे में से, टूट के पूरा गिर सकता, क्योंकि आंधी आ चुकी है, हवा बहुत खतरनाक चल रही है। और मैं भी जल्दी फटाफट उतर जाता हूँ, मुझे भाई डर लग रहा है कि बारिश भी आ सकती है और हवा भी आ सकती है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे बाउंड्री वगैरह हमारी हुई भी नहीं है, कहीं भी किसी की छत की नहीं हुई हुई है, और बहुत ही जल्दी मैं बाउंड्री करा लूँगा ये बात इंशाल्लाह। इंजन है पानी वाला, यहाँ पे खड़ा कर दिया हमने। चलो चलते हैं थोड़ा बाहर, देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है, कोई है बाहर नहीं। और अभी भाई आजा आजा, चल 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 घर में को जा। मुर्गी भी हमने अंदर कर दी क्योंकि हवा वगैरह चलेगी, बारिश पड़ेगी तो ये कहाँ जाएगी अकेली, क्योंकि देख सकते हो कोई नहीं कहीं पे भी, इसे चुकने के लिए बाहर छोड़ दिया था क्योंकि घर में परेशान कर दिए काफ़ी सारी, तो इतनी मुर्गी परेशान नहीं करती। ये पहना था मैंने हाई नेक, तो भाई पहना नहीं जाता, और अभी मुझे ठंड लगने लगी है, मैं बाहर आया हूँ तो हवा इतनी ठंडी चल रही है। और गांव क्षेत्र में तो भाई अगर दिल्ली वगैरह या कहीं पे मुंबई वगैरह रहते हो वहाँ पर होती है गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर। और बाहर जैसे आप गाँव क्षेत्र में आते हैं तो भाई यहाँ पर गर्मी इतनी होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। और मेरा गाँव जो है नैनीताल के 50-60 किलोमीटर के अंतर्गत आता है मतलब क्षेत्र में। और ये एक चौपाल सी बना रखी है यहाँ, पागड़ बना रखी है, जैसे धूप वगैरह होती है तो यहाँ पर लोग भी नीचे बैठ रहते हैं। पंचाल घर, ये भाई मेरे गांव का पूरा नाम जड़ा, ये मेरे गांव का नाम है। और ये सवार जो है मेरी तहसील है जिला रामपुर पड़ता उत्तर प्रदेश। वेलकम, कूड़ा कूड़ा दान में ही डालें। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये ईदगाह की दीवार, ईदगाह भाई बनाई थी, बनाने के लिए मतलब काम चालू करा था, तो इसी ईदगाह को मतलब अधूरे ही छोड़ दिया, अभी काम इसका रुका हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बन के जब रेडी होगी तो यहाँ दोनों तरफ मीनार बनेंगे बड़े बड़े। और ये काफ़ी लंबी है ऐसे तो, और ये सारा फील्ड इसी का बड़ा है भाई। बारिश आने वाली है और चलते हैं घर जल्दी फटाफट। बच्चे गांव के बहुत सतानी करते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगवाया है उसको हिला रहे हैं सारे। अरे सीधा ना चला जाता तुमसे बगैर सतानी के,